मुल्क भर से सयाहों ने नथिया गली का रुख कर लिया है। पैराग्लाइडिंग और घुड़सवारी के मजे उठाए। सयाहों को बर्फबारी की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। शाहिद चौधरी रिपोर्ट कर रहे हैं। नथिया गली, डूंगा गली और अयूबिया के कुदरती हुसन और दिलफरेब मौसम को एंजॉय करने और दिसंबर की छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने नथिया गली में डेरे डाल लिए। बहुत प्यारे इधर के व्यूज हैं और बहुत अच्छे व्यू हैं। बहुत हमने फैमिली के साथ एंजॉय किया, बहुत मजा आ रहा है और मुंतजर हैं स्नो के, जो कि अभी नहीं फिलहाल हुई। सयाहों का कहना है कि गलियात कुदरती हुसन से मालामाल है, यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है, मगर इस दफा दिसंबर में बर्फबारी न होने की वजह से हम बर्फबारी से लुत्फंदोज नहीं हो सके। इस्लामाबाद से आए हैं और बहुत ही प्यारी जगह है, बट वी एक्सपेक्टेड फॉर द स्नोफॉल, लेकिन स्नोफॉल अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बट बहुत ज्यादा अच्छा है यहाँ का। हम बर्फबारी के सिलसिले में आए थे लेकिन यहाँ पे बर्फबारी नहीं हो रही, लेकिन फिर भी कुदरती मनाजर इतने हैं कि हम बहुत दिलकश हुए हैं और हमने बहुत ज्यादा लुत्फंदोज। सिया अपने यादगार लम्हात को कैमरे की आंख में महफूज करते रहे और बच्चे भी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग और घोड़सवारी से लुत्फंदोज होते रहे। मौसमी तब्दीली के बायस दिसंबर के महीने में बर्फबारी न होने के बायस जहां सयाह अपनी खुशियां दुबाला न कर सके, तो वहां पर ताजर बरादरी भी कारोबार कम होने की वजह से परेशान है। मोहम्मद शाहिद चौधरी, आज न्यूज़, नथिया गली।